रियल एस्टेट से जुड़ी हर खबर जानने के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स टीवी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तमाम तर लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नाजायज तौर पर तामीर दुकानें या मकानात के हवाले से क्या फैसला किया गया, आइए देखते हैं। अबुल कासिम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स पेश करते हैं AQ सुपर मार्केट। प्रिसन 18 इम्तियाज सुपर मार्केट के सामने बनने वाला एक आलीशान मंसूबा, जहां शॉप्स की बुकिंग महज 6 लाख से स्टार्ट है। मजीद तफसीलात के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे राब्ता करें। वसीम अख्तर ने कहा है कि शहर में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा और नाजायज तौर पर तामीर की गई दुकानें। वसीम अख्तर ने कहा है कि शहर में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा और नाजायज तौर पर तामीर की गई दुकानें हो या मकानात, उन्हें मस्मार किया जाएगा। इन्होंने कहा है कि शहरी खुद तजावजात कायम ना करें, वरना वो अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। इन्होंने कहा कि इम्प्रेस मार्केट समेत सदर के दीगर इलाकों में तजावजात कायम नहीं होने दी जाएंगी। इसी तरह शहर की दीगर बड़ी मार्केटों में के बाहर भी कायम की गई तजावजात ख़त्म करेंगे, ताकि शहरियों को ट्रैफिक की रवानी में दुश्वारी पेश आ रही है वो ख़त्म हो सके। सीनियर डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी ने दुकानदारों से कहा कि फुटपाथों पर कई कारोबारी हजरात ने अपनी दुकानों के इश्तहारात और रहनुमाई वाले बोर्ड्स आविज़ा कर रखे हैं, जिससे पैदल चलने वालों को सख्त मुश्किलात का सामना। लिहाजा ऐसे कारोबारी हजरात को चाहिए कि अगर इन्होंने अपनी दुकानों के बॉर्डर्स फुटपाथों पर नस्ब कर रखे हैं तो वो उन्हें वहाँ से खुद ही हटा दें, और दूसरी सूरत में बल्दिया उज़्मा कराची का महकमा इंसदाद तजावजात कार्रवाई के दौरान उन्हें हटा देगा और इस नुकसान की जिम्मेदारी बल्दिया उज़्मा कराची की नहीं होगी। तो नाजरीन, इस फैसले के मुताबिक मजीद जानने के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स टीवी और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब।